ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर कितनी ओछी और छोटी सोच। ये शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है वो महिलाओं के अपमान का। जब ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, घृणा होती है इनकी सोच। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की मानसिकता दिखाता है, आरजेडी की जो मानसिकता है उसी मानसिकता के द्योतक हैं। इन लोगों की समझ के परे कि भैया आज की तारीख में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं। हमारा एक ऐसा देश है जहां पे देश के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व हमारी महिला कर रही है। आज की तारीख में वित्त मंत्रालय जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला निभा रही है। कह रहे हैं कि बबकट वाली लिपस्टिक वाली महिलाएं जाएंगी तो पिछड़ों को कैसे आरक्षण का फायदा मिलेगा? देखिए, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की मानसिकता दिखाता है, आरजेडी की जो मानसिकता है उसी मानसिकता के द्योतक हैं। और महिलाओं के अपमान का ये शब्द है, ये शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है वो महिलाओं के अपमान का। अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बबकट वाली लिपस्टिक वाली महिलाएं संसद भवन में नौकरी करेगी तो जो अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं क्या क्या होगा? ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर कितनी ओछी और छोटी सोच। मैं मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस सोच की निंदा करता हूं जो महिलाओं को सिर्फ उनके रंग रूप वेशभूषा से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में मुझे लगता है ऐसे वक्तव्य के ऊपर अपनी टिप्पणी तक देना, क्योंकि इन लोगों की सोच अभी भी उस मानसिकता के साथ उलझी हुई है जहां पर ये लोग महिलाओं को सिर्फ पर्दे में और चूल्हा चौखट के पीछे ही बांध के रखना चाहते हैं। इन लोगों की समझ के परे कि भैया आज की तारीख में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं। उदाहरण हम दें, फ्लाइटें उड़ा रही हैं भैया, देश को चला रही हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो माँ महीम है वो महिला है और वो देश के सबसे वंचित वर्ग में से आती। उसके बावजूद जब ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, घृणा होती है इनकी सोच से। हमारा एक ऐसा देश है जहां पे देश के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व हमारी महिला कर चुकी। आज की तारीख में वित्त मंत्रालय जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला निभा रही है। और ऐसे में जब ये कुछ ऐसे नेता और ये ऐसे राजनीतिक दल जो महिलाओं को सिर्फ एक कैटेगरी में बांध के रखना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं ने इनको जवाब दिया है और आने वाले समय में पुनः उनको जवाब देंगे।